प्यारे बच्चों नमस्कार, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज De-Moivre's थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। और इस लेक्चर सीरीज, ये कम्प्लीटली एक पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज होगा इस टॉपिक के ऊपर। और बेसिकली बीएससी के स्टूडेंट्स काफ़ी समय से इस टॉपिक के डिमांड कर रहे थे, तो वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। और थोड़ा समय लगता है टॉपिक को प्रिपेयर करके, उसके ऊपर काम करके, और फिर उसके बाद जो सही चीज़ है वो डिलीवर करने में। सो दैट्स वाई इतना समय लगा एंड नाउ फाइनली वी आर स्टार्टिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग De-Moivre's थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ देखेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में इस टॉपिक में जो जो चीज़ें और आने वाली हैं उनको भी देखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द De-Moivre's थ्योरम स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, ठीक है। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। द स्टेटमेंट इज cos theta plus I sin theta raised to the power n is equals to cos n theta plus I sin n theta, where n is positive or negative integer, or positive or negative fraction, right बच्चों? It means that कि ये जो result है n के positive और negative integer होने या उसके किसी proper fraction होने पर भी true है, right? तो लेट्स प्रूव दैट रिजल्ट, हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे अब, ठीक है ना। और शुरुआत हमारी इस से होगी, ठीक है ना। हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टूडेंट्स इस थ्योरम के प्रूफ को हम लोग सिंपली यहाँ पर n की डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज लेके दिखाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग केसेस में होगा ये, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर उसके बाद फ्रैक्शन के लिए। तो केस नंबर वन हम लोग शुरू करेंगे व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग शुरू करेंगे एंड टेकिंग n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 2 से शुरुआत करते हैं। तो cos थीटा प्लस I sin थीटा रेस्ट टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू होगा बच्चों, सिंपल एज दैट बच्चों, क्या होगा, आप यहाँ पर क्या करें बच्चों, आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 आई कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। नाउ लुक एट दैट बच्चों, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला होता है किसी चीज़ का, आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 2 थीटा एंड प्लस आयोटा 2 साइन थीटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 2 थीटा स्क्वायर्स, सिंपल एज दैट। तो हमारे पास में बच्चों एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखिए ये रिजल्ट वैलिड है, ठीक है ना। अब इसी तरह आप चाहो तो इस एन इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली एन इज इक्वल्स टू 3 लेने पर तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर 3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर 2 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको अभी अब आप लोग प्रूफ करके आए बच्चों, इट्स अ कॉस व्हाट, इट्स अ कॉस 2 थीटा
plus I sine 2 theta, and this is cos theta plus I sine theta. इसका मल्टीप्लाई करो, सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन होता है आप वो मल्टीप्लाई करिए. तो इट्स अ कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा, कॉमन अगर ले लें तो ये आएगा साइन थीटा कॉस टू थीटा प्लस यहाँ पर आएगा बच्चों साइन टू थीटा, साइन टू थीटा प्लस नॉट प्लस इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना. एंड ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन. तो इट्स अ माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा एंड साइन टू थीटा. नाउ लुक एट दैट बच्चों, इन सबको कंबाइन करिए तो ये और ये दोनों रिजल्ट मिलके कॉस टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन टू थीटा. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करिए तो वो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो ये कंप्लीटली जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा कॉस टू थीटा प्लस थीटा माइनस सॉरी प्लस आयोटा. और इसको फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए सॉरी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों किसका, साइन ए प्लस बी का. तो इट्स अ थीटा प्लस टू थीटा. तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट्स अ कॉस थ्री थीटा प्लस आई साइन थ्री थीटा. तो स्टूडेंट्स देखिए ये रिजल्ट फिर एन इज इक्वल्स टू थ्री के लिए भी अपने आप ही प्रूफ हो गया है बच्चों. और इसी तरह आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आप अपने आप ही फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना. तो आप यहां पर लिख देंगे अब डायरेक्टली, क्योंकि दो n इज इक्वल टू टू और थ्री के लिए आप दिखा चुके हैं. तो आप यहां पर लिख देंगे सिमिलरली फॉर n, सिमिलरली फॉर n यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक. फॉर सिमिलरली फॉर n cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ठीक है ना. इट मींस दैट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हम ये रिजल्ट इसी तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है ना. तो ये आपका जो रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है, ठीक है. अब नंबर केस नंबर टू लेते हैं. केस टू, व्हेन एन इज नेगेटिव इंटीजर. अब एन अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू दी पावर माइनस एन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइड में रेस्ट टू दी पावर एन. अब यहां पर डिवाइड में जाकर तो एन पॉजिटिव बन गया है तो डेफिनेटली ये केस लग जाएगा. तो एन आगे आ जाएगा, यहां पर एन लिखना भूल गए हम, एन कर लीजिएगा. तो वन अपॉन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है ना. अब सिंपल इसमें क्या करिए बच्चों, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा डिवाइड बाय कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा. लुक एट दैट बच्चों, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो रहेगा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा एंड डिवाइड बाय, ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से बन जाएंगे कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस एन थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस आई साइन एन थीटा का होल स्क्वायर. और फिलहाल आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन तो नीचे बन जाएगा प्लस. तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस आई सॉरी प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा. तो दिस इज कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा.
तो नो डाउट ये जो वैल्यू है ये तो बन जाएगी क्या, ये वैल्यू बन जाएगी 1, और जैसे ही ये वैल्यू 1 बन जाएगी तो आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, आपके पास जो रिजल्ट है cos theta प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू दी पावर माइनस एन इज इक्वल्स टू, क्योंकि नीचे 1 बन गया है बच्चों, तो फाइनली आपके पास में आ जाएगा cos n theta माइनस आई साइन n theta, ठीक है ना, ये n theta, ठीक। अब क्योंकि आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos माइनस n theta एंड प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, बिकॉज कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। एंड देन सो थ्योरम इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक बच्चों। इट मीन्स दैट कि हमने अभी तक इस थ्योरम को पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के लिए ट्रू बता दिया है, प्रूफ करके बता दिया है। एंड नाउ फाइनल केस नंबर 3 लेंगे, जिसमें हम n इज इक्वल्स टू पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 3। लेकिन केस नंबर 3 पे जाने से पहले बच्चों आप लोग एक बार इसको नजर भर देख लीजिए कि हमने इसको कैसे किया। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले n एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, हमने यहाँ पर n की जगह 2 लिया, ठीक, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये वैलिड है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने 2 लिया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये रिजल्ट हमारे पास मिला, हमें मिल गया कि ये वैल्यू cos 2 थीटा की होती है और ये sin 2 थीटा लिख दिया। इसी तरह n इज इक्वल्स टू 3 का केस लिया, तो ये होल स्क्वायर और ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों cos a प्लस बी का, तो ये cos 3 थीटा मिल गया, और यहाँ से ये फार्मूला बन गया sin a प्लस बी का, तो sin 3 थीटा का फार्मूला। इसी तरह अगर आप 4 के लिए करेंगे तो ये वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा, फिर से cos a प्लस बी और sin a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा, 4 के लिए भी रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि दैट रिजल्ट इज होल्ड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। हमने नेगेटिव इंटीजर लिया स्टूडेंट, राइट, इनकी वैल्यू नेगेटिव थी तो 1 अपॉन में लेके गए, वहां से हमने इसमें cos n theta माइनस sin n theta का मल्टीप्लायर और डिवाइड कर दिया, तो नीचे जो रिजल्ट था बच्चों वो रिजल्ट बन गया 1, और ऊपर हमारे पास cos n theta माइनस i sin n theta आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और यहाँ पर ये n अंदर इसलिए चला गया क्योंकि अब ये पॉजिटिव बन चुका था, और पॉजिटिव के लिए हम रिजल्ट दिखा चुके हैं, राइट। एंड देन इसके बाद में बच्चों cos n theta माइनस i sin n theta की वैल्यू को हमने जो रिजल्ट था उसमें फिट करने के लिए cos n theta को cos माइनस n theta और sin माइनस sin n theta को हमने sin माइनस n theta लिख दिया, बिकॉज रिजल्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से cos माइनस theta इज इक्वल टू प्लस cos theta एंड sin माइनस theta इज इक्वल टू माइनस sin theta है, तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो। नाउ स्टार्ट विद द n इज एनी फ्रैक्शन। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट केस नंबर 3, एंड दिस इज द वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा आप इसको लॉजिकल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रख के समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि ट्रिकी टाइप का है। लुक एट दैट बच्चों, हम लोग केस नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। लेट n इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर q is positive and p is any positive or negative integer according to n, ठीक। इट मीन्स दैट कि n जो है वो एक फ्रैक्शन है और q हमेशा पॉजिटिव रहेगा, p पॉजिटिव और नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू n, कि n हमने पॉजिटिव फ्रैक्शन लिया है कि नेगेटिव फ्रैक्शन लिया है। अब नाउ लुक एट दैट स्टूडेंट्स, नाउ
लुक एट दैट बच्चों, नाउ कॉस थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन क्यू, लुक एट दैट, अंदर वाली वैल्यू केवल एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक, क्योंकि Q 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और किसी भी एंगल को आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को आप पाई बाय 3 लिख सकते, सॉरी पाई बाय 4 लिख सकते हो, तो सपोज दैट थीटा काम कर रहा है पाई का और ये Q काम कर रहा है 4 का एंड दिस वन, ठीक। अब नाउ लुक, क्योंकि Q एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इस Q को अंदर ले जा सकते हो, इट मींस दैट आप लिख सकते हो cos Q theta upon Q plus I sin Q theta upon Q, ठीक, by case 1, क्योंकि positive integer है Q, वो अंदर जा सकता है, तो this means that cos theta plus I sin theta, it means that कि इसकी एक value ये हो गई, ठीक है ना। अब now look at that, that is cos theta plus I sin theta is equals to cos theta upon Q plus I sin theta upon Q rest to the power Q, ये इसकी वैल्यू आ गई। और अब अगर हम दोनों और Qth root ले लें, यानी 1 upon Q कर दें, तो this implies that cos theta plus I sin theta 1 upon Q is equals to cos theta upon Q plus I sin theta upon Q. This is equation number 1. Now look at that बच्चों, हो क्या रहा है कि cos theta plus I sin theta rest to the power 1 by Q, यानि कि इसका जब हमने Qth root लिया तो this is equals to cos theta by Q plus I sin theta by Q. ध्यान दीजिएगा कि ये रिजल्ट हम डायरेक्टली इन्हें लेकर आए हैं, हम पहले ये रिजल्ट लेकर आए हैं और इस रिजल्ट में दोनों और हमने 1 अपॉन क्यू किया है, मतलब इस वैलिड रिजल्ट में 1 अपॉन क्यू कर दिया तो हमें ये रिजल्ट मिला कि cos थीटा plus i sin थीटा रेस्ट टू द पावर 1 by Q is equals to cos थीटा by Q plus i sin थीटा by Q। इसे अपने दिमाग में रखिए क्योंकि अब ये हमारे काम आएगा, इट मींस दैट कि cos थीटा plus i sin थीटा की पावर अगर 1 by Q हो तो हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 1 by Q का अंदर थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ लुक, नाउ लुक बच्चों, नाउ cos थीटा plus i sin थीटा rest to the power p upon q, राइट, p upon q, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा plus i sin थीटा rest to the power p, rest to the power p and rest to the power 1 upon q, क्योंकि p और q मल्टीप्लाई होंगे, 1 upon q मल्टीप्लाई होंगे तो p by q बन जाएगा। अब क्योंकि p पॉजिटिव है बच्चों तो उसके अकॉर्डिंग ये अंदर आ जाएगा, यानी कि cos, मतलब p पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का केस देख चुके हैं तो वो अंदर आ जाएगा, तो ये cos p theta plus i sin p theta rest to the power 1 by q। अब नाउ लुक एट दैट, हमने अभी अभी देखा कि इसकी जो भी वैल्यू होगी आप 1 upon q को अंदर ला सकते हो, इट मींस दैट कि आप इस वैल्यू को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, व्हाट, cos p by q theta plus i sin p by q theta, तो इट मींस दैट cos theta plus i sin theta rest to the power p upon q is equals to this one, it means that the result is true for n is equals to p upon q, yani ki ye result jo hai wo kisi fraction ke liye bhi true hai, so this proves the theorem, hence theorem proved, right? तो इस तरह से बच्चों थ्योरम क्या हुआ, प्रूफ हुआ, यानी कि ये जो रिजल्ट है
जो De-Moivre थ्योरम का रिजल्ट है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, किसी नेगेटिव इंटीजर और किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए वेल एंड ट्रू है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया। तो आई होप स्टूडेंट कि ये जो प्रूफ है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। वन मोर थिंग स्टूडेंट कि जब हमने प्रूफ स्टार्ट किया था तो आप इस थ्योरम के स्टार्टिंग में ही जब आपने पी को पॉजिटिव इंटीजर लिया था तो उसमें एक लाइन ऐड कर लीजिएगा कि फॉर एन इज इक्वल्स टू वन द रिजल्ट इज ट्रू। ओके, ये लाइन मैं मिस कर गया तो आप ये लाइन खुद से ऐड कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं। कोशिश करें बच्चों कि आप कॉल और मैसेज ना करें, ईमेल ही कर दें। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि ईमेल का रिप्लाई आपको जल्द से जल्द कर दूं। क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड करना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए आपको वीडियो लेक्चर में अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो वो पूछें केवल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में De-Moivre थ्योरम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो और टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।